गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बैठे हुए सभी अतिथियों को इस सेंटर अनवर खान की तरफ से नमस्कार, जय हिंद जय भारत। मैं जिला देवरिया का रहने वाला हूं, हमारी पोस्टिंग जिला सीतापुर में हुई है और सीतापुर थाना पिसाए का चार्ज हमें मिला हुआ है। आज थाना पिसाए की पुलिस की करतूत, पुलिस स्टाफ की बदनामी का कारण बनती चली जा रही है। पब्लिक की सुरक्षा का प्रतीक है ये पुलिस, और जो समय पुलिस को पब्लिक के बीच में व्यतीत करना चाहिए वो थाने में या दोस्तों के साथ पार्टी ज्वाइन करके व्यतीत भी कर रही है। थाना पिसाए में दिन दहाड़े कतल, दंगा फसाद, लूटमार, कत्लेआम बढ़ता चला जा रहा है। गुंडा और माफियों के दिलो दिमाग से पुलिस का खौफ निकलकर आज डाकुओं का खौफ समाया हुआ है। हमें कल ड्यूटी ज्वाइन करना है, इसलिए आज ही हमें शाम को निकलना पड़ेगा। बेगम जुबेदा खान से बता दूं कि हमारा सामान बहुत जल्दी पैक कर दें। बेगम जुबेदा खान, जुबेदा खान, सलाम अलैकुम सरकार जी। मोरी में सो हरियाप की, मोरी मेरे सो हरियाप की, अरे बीबी करे कि मैंने आपको किस लिए याद किया है और चेहरे पे उदासी क्यों है बेगम जुबेदा जी। और बात तो नहीं कोई खास है, और एक ही कृतज्ञता तमाम, और मेरे जाने का बहुत जल्द करो इंतजाम। और मेरे सरताज एक आया कर जो हकीकत वही पकड़ना चाहिए। बात का मतलब नहीं समझी जी, नहीं समझोगी कैसी, क्योंकि जब दिमाग ही नहीं लगाओगी और तुमने हमारे बात के ऊपर गौरता फरमाया नहीं है जी, नहीं, और तो बात कैसे समझोगी, तो इसलिए मुझे तुम्हें साफ शब्दों में ही बताना पड़ेगा। बेगम जुबेदा खान, और मुझे तो हकीकत बताना पड़ेगा। Thank you.
कि कोई भी पत्नी ये नहीं चाहती कि हमारा शौहर हमसे दूर रहे। बिल्कुल नहीं। और हम कल ही तुम्हारा गाना लेके आए हैं और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं, किस वक्त कहाँ जाना पड़ जाए खुद को पता नहीं रहता है। तुम्हें मानते कि तुम्हारे गाना लाने के बाद हम गरीब महाद्वारा की दरगाह पे चल कर क्योंकि दुआएं मांगेंगे। लगता शायद वो मंजूर नहीं था और हमारा ट्रांसफर हो गया। लगता है कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें अकेला ही यहाँ रहना। क्या बात करते हो? तो कैसा फरमान सरदार और हयात पिता आपके बिना जी पाऊंगी, साथ लेकर ही चलो तुम जहाँ जा रहे वरना मर जाऊंगी वरना। एक बात बताओ, कोई अपनी नई नवेली दुल्हन को ऐसे छोड़कर जाता जैसे तुम बातें कर रहे हो? तुम्हारी औरतों की चित यही खराब होती है। नहीं, बात के ऊपर गौरवता नहीं फरमाती हो और मरने की बात कैसे तुमने कह दी है? आप जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी। तो क्या तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि तुम्हारे शौहर बगैर तुम्हारे जिंदा रह पाएंगे? बेगम जुबेदा खान जी, आपको शायद नहीं मालूम है कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं, हमें कहां किस वक्त जाना पड़ जाए खुद को पता नहीं रहता है। और तुम कह रहे हो कि अगर तुम तुम्हारे बगैर हम मर जाएंगे। और क्या बेगम जुबेदा खान, तो आप क्या कह रही हैं बेगम जुबेदा? क्या तुम्हारे बिना मैं न रह पाऊंगा और किस तरह ले चलूंगा तुम्हें साथ में और है खतरनाक काफी। के बिना अकेला ना मैं खुद रह पाऊंगा, किस तरह ले चलूंगा तुम्हें साथ में। जिस जगह हमारी पोस्टिंग हुई है वो इलाका बहुत ही खतरनाक है, तो जब तक वहाँ का माहौल सही नहीं हो जाता है तब तक के लिए तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। कैसी बात है? और जब वहाँ का माहौल सही हो जाएगा तो हम आपको बुलवा लेंगे। आप तो एसपी हो, आप इतना घबरा रहे हो? मैं सेंटर हूँ अनवर खान, मैं मानती हूँ। हाँ, लेकिन एक बात कहूँ आपसे। कहो। आप सोच रहे होंगे कि औरत या कोई परिवार का अगर सदस्य साथ में जाता है तो मुसीबत बन जाता है। मैं आपकी मुसीबत नहीं बनूंगी। कहने का मतलब कि तुम तो जानते हो कि डॉक्टर की डिग्री हमारे पास है, जानते हो ना? और फिर आप मुझे ले चलना और आप अपने जस्ट बगल में कहीं क्वार्टर ले लो, ले लेना किराए से, और मैं वहां पर अपना क्लिनिक खोलूंगी, गरीबों का मुफ्त में इलाज करूंगी, तुम मुजरिमों को सजा दिलाना। ओ, समझ गया। मैं गुनाहगार को गिरफ्तार करके कानून से सजा दिलवाऊंगा और बेगुनाहों को इंसाफ, और तुम क्लिनिक खोल के गरीबों का मुफ्त में इलाज करोगे। बिल्कुल। वाह बेगम जुबेदा खान जी, तो आपकी सब गुजारिश मंजूर, आपकी ये गुजारिश मंजूर सब, और बाखूबी तुम चलोगी मेरे साथ में और थाना पिसाने में मेरी ड्यूटी। सामान पैक कर लो। नहीं जाऊंगी। क्या मतलब? अरे अभी तो जिद के ऊपर अड़ी हुई थी कि हमारे साथ में चलोगी। वाह, आप यहाँ से मैं ले जाओगे और ले जाकर हवालात में बंद कर दोगे, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। फिर तुमने हमारी बात के ऊपर गौरवता नहीं फरमाया। बेगम जुबेदा खान, मैं सरकारी सर्विस करता हूँ, पब्लिक सर्विस,
ये कोई जरूरी नहीं है कि चलते चलते मैं थाने में क्वार्टर मिल जाए, नहीं मिलेगा ना, कोई जरूरी नहीं है। अगर थाना पिशाई के अलावा अगर कहीं दूसरी जगह हमारा हमारी पोस्टिंग हुई होती है, थाने पिशाई में कोई ऐसा कोई धर्मशाला और कोई रिक्रूटिंग की व्यवस्था नहीं है, तो जब तुम हमारे साथ में हो तो भाई लॉकअप के अलावा जगह कहाँ है, अकेले होते तो कहीं भी रात अपने व्यतीत कर लेते। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। बेगम जी देखो, हाँ। मरने की बात आज के बाद जुबान के ऊपर नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। कसम खुदा की तुम्हारे बगैर हम भी तो जिंदा नहीं रह सकते, और मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं। और अगर तुमसे मोहब्बत ना होती तो निकाह कहाँ कबूल करते। बेगम जी देखो, और हमें तुमसे प्यार कितना जी, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकती तुम्हारे बिना। इसको पीने से क्या होता है? क्या होता है? इसको पीने से उहदत का मजा मिलता है, इसको पीने से उहदत का मजा मिलता है, और इसको सच्चा है तो बंदे को खुदा मिलता है। तो ये अच्छा कौन है कि ना जिगर ना जान लो, सभी से पहचान लो। तो क्या है, क्या है? और मैं देखता हूँ धूपा जमाना शराब, इंसान के
जरूरत होती है शबाब गोरी हो या काली हो आनी जनाब हो शराब पीने के बाद बेहतरीन कोई का हम कह लो है कि वाटर स्लो इस वक्त चाहो हमारे दोस्त छबीले मस्ताना को बुला करके लाओ मस्ताना कुछ और ही बता रहे हैं और ठाकुर का हम आप गए और पतले लगे तो अगर तब जाना चाहते हो तो फिर सुनो और छबीले मेरी बात को और सुनो लगाकर छबीले मेरी बात को निरहंकार का जो वो राम दीन किसान है उस किसान की नाती सोनम है जाओ सोनम को भुला कर इस हमें भी लेकर के आओ जाओ राम दीन से जा कर के कह दो सोनम को स्नान करा कर अच्छे से कपड़े पहना दे और उसका खूबसूरत श्रृंगार भी करा दे क्योंकि सोनम आज की रात ठाकुर अपने के बिस्तर की अभी तक आपके दिल में सिर्फ जमीन के हर्ष थी वह हमने निर्हन के किसानों को मारकर और आपके नाम करवा दियो आप तुम्हें खूबसूरत शराब की जरूरत मस्ताना तो
तुम्हें मालूम होना चाहिए जो चीज पसंद आई है उसे हासिल कर लिया है। सोनम सोनम मेरी नजरों में कर गई है, इसलिए जाओ सोनम को बुला करके हमें भी लेकर के। ठाकुर साहब वो साली बहुत जिद्दी लौंडिया है, बहुत नक्शे में चलती है, आजकल बात भी किसी की सजा नहीं करती। ए मस्ताना, शेर के मुख से बिल्ली की आवाज अच्छी नहीं लगती है। तुम्हारा खाप तुम्हारा हक तुमका ठकरा दे, तुम सिर्फ क्या करके ओपी सिंह का हुक्म सुनाओ और से इनकार करे तो जबरदस्ती उठाकर उसे अब यह काम सौंप दिया। अभी तक ठाकुर साहब को सिर्फ जमीन की ही होश थी और अब आप इन्हें सबाब की भी जरूरत पड़ने लगी है। लेकिन वो साली बहुत लौंडिया नक्शेबाज है, जाने तो हम हाँ। आजकल बहुत साली नक्शे में रहती है। सुनी ध्यान बहुत हुआ लौंडिया अभी खरी है, वही तो कोई बात नहीं कह सके, बहुत मिजाज दिखाती है। तनिकों को उठा कर कह दीस वह समझ लो धावा धूम सुने जूती नहीं। और मस्तारा भी वो चीज है कि उसके गुरूर को चोर कर देगा। ये राइफल जरा हमारा कमरे में टांग दे, क्योंकि इसको ले चलना वहाँ ठीक नहीं है। क्यों? गुस्सा हमारी तू जानता ही कि बहुत हराम है। अगर साली उल्टा सीधा बोला तो हमें उसे गोली मारना पड़ जाएगा। और उसको लाना हवेली को हमारे लिए बहुत जरूरी है। हंटर उठा मेरा, आज साली मर्जी से आएगी तो आएगी और नहीं, और यदि मर्जी से नहीं आती है तो चलकर साली को जबरदस्ती में उठा लाते हैं। हाँ मेरे साथ चलो। भैया राम राम, ना जाने भैया हमरा नाओ भैया राम दीन। यह जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत भैया परेशानी उठाव चले, हम रहा वाले भैया तो पतौंजा गांव क्या रहा, शायद अपने बिटिया दमादिया निरहन गांव में रह रहे का बताई भैया। हमार बहुत लंबा परिवार रहा, लगो 40-50 आदमी के यार भैया परिवार रहा है। हमरे परिवार में भैया बहुत बड़ी एकता रहा है। ये पता ना है हमार पुरखा एक नीबी की बिरवा कब लगाई हुई है, बहुत मोट बहुत जयदी बिरवा रहा है। आज कल जाठ बैसाख हम भैया हम अपने पूरे परिवार सहित वह बिरव के नीचे खूब ठंडाई जुड़ाई रहे खूब बैठते रहे। बहुत कर्द भैया एकदम आ गए आंधी तो उबिरवा लौट गवा तो हमार पूरा परिवार वो है खाले दबी कहीं मरी मर गवा भैया तो हम रह गए न हमारी बिटिया रह गई तो अपने बिटिया के बियाह हम भैया निरहन गाँव के हैं। जब अपने बिटिया के बियाह निरहन गाँव के हैं तो हमार बिटिया दमाद आवे जाए ला कहे लाग चाचा अब तुम अकेला रह गए ना हो तो हमारे घर है रहो चले। अरे हम कहन भैया तुमरे हुआ तो रही बाई करीबा
कुछ दिन के बाद भैया हमरे और नातिन के आर जन्म भवा। जब नातिन के जन्म भवा भैया सुने तो बहुत सामान सट्टा लेके आए भैया। उसके बाद थोड़े दिन के बाद हमारी बिटिया खत्म हो गई। जब बिटिया खत्म हो गई तो अब का बताए भैया, हमका बहुत चिंता बहुत अफसोस होत कर चाहे दमाद जब जाए तो कहा चाचा हमारे हुआ रहो चले। उसके बाद भैया दमाद दो खत्म हो गए। जब कोई नहीं रहेगा तो रह गए हमार नाती ने क्याल तो हमारे तिर भैया मजबूरी आई गई। तब है भैया यहाँ बिटिया दमाद घिया निरहन गांव रहे। हम अपनी नातिन के नाव सोनम रखें, पढ़ाई थी लिखाई थी भैया देखभाल करी कपड़ा लत्ता ले दी थी। हमार नातिन हमका बहुत मानत, नातिन के हम अपनी मानी थी। पता ना ये भाई सोनम तैयार भाई कि ना बिटिया तैयार भाई। बिटिया नातिन सोनम और नाना जी तुमसे मेरी और बड़ी है जग में क्या और परवरित किया मुझे तुम हो पिता समा तो आपने बेटी से भी ज्यादा किया है तुझसे प्यार कर होती बेटी मेरी त्याग देता और तुम हो नाना मेरे मैनवा थी